कट्टरपंथियों की लिस्ट बहुत लंबी है और बांग्लादेश से शेख हसीना के जाते ही भारत विरोधी अपने बिलों में जो छुपे हुए थे वो बाहर आ रहे हैं। और अब ढाका यूनिवर्सिटी का ये प्रोफेसर जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है, प्रोफेसर ने पाकिस्तान को बांग्लादेश का असली सहयोगी बता दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं ये बिलों में छुपे हुए थे, बाहर आ गए। इतने तक तो ठीक था दर्शकों, लेकिन शाहिदुज्जमान नाम का ये प्रोफेसर कह रहा है कि बांग्लादेश को परमाणु संपन्न बनने की जरूरत है। धमकी टाइप की दे रहा है, समझिए इसे। कहने को ये प्रोफेसर है लेकिन कह रहा है कि भारत एक बहुत बड़ा खतरा है और पाकिस्तान दोस्त है। अब इस प्रोफेसर के जहरीले बोल में आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। In order to change the Indian habitual perception, our only answer, as I feel, is nuclearization. Nuclearization does not mean that we have to be a nuclear power. Nuclearization, I mean that we have to develop a nuclear treaty with our former adversary, Pakistan. Pakistan is the most reliable, trustworthy security ally of Bangladesh. देख लिया दर्शकों आपने। और अब सबसे बड़ी बात यह कि देश तोड़ो इसी संदेश के साथ यह आतंकी जमात चल रही है, जिसमें एक और चेहरा है जाकिर नायक का दर्शकों। और यह कट्टरपंथी प्रोफेसर क्या कर रहा है, परमाणु धमकी दे रहा है। जाकिर नायक क्या कर रहा था, जिहादी धमकी दे रहा था। और अब एक और आ गया है छोटा लादेन जो भारत को खत्म करना चाहता है, लेकिन यह पूरी ब्रिगेड काम कर रही है दर्शकों, और इस ब्रिगेड को कामयाब नहीं होने देना है। लेकिन सोचिए दर्शकों, जब यह ब्रिगेड इस तरह से काम करती है और भारत के विरोध में काम करती है तो क्या होगा, वो भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। क्योंकि देश तोड़ो आतंकी जमात में विदेश में बैठा आतंकी जाकिर नायक भी भारत विरोधी जहर उगल रहा है। दोनों को तो मैंने आपको सुनवा दिया, रुक रुक कर वो अपने बिल से बाहर निकलता है और फिर वापस अपने बिलों में छिप जाता है। जाकिर नायक भगोड़ा है, आतंकी है, और भारत के मुसलमानों को भड़काने की पूरी कोशिश वक्त वक्त पर करता है। मोदी विरोधी नैरेटिव गढ़ता है, भारत विरोधी नैरेटिव गढ़ता है ताकि मुसलमानों को बरगलाया जा सके। वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी यही कर रहा है, मस्जिद और मदरसा छीनने का डर दिखा रहा है, बरगला रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ है। लेकिन आप सुनिए कैसे ये बरगलाने का काम कर रहे हैं भारत के खिलाफ। There are 211 million Muslims in India, and that's approximately the statistics of the government also. 14.6% of the Indian population, they are Muslim. Even if 5 million Muslim, even 2.5% of the Muslim, if they send the objection and they reject this Waqf Board amendment bill, it will be stopped. लेकिन दर्शकों, ये अपने प्लान में कामयाब नहीं होने वाले हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि भारत अखंड है और उसे तोड़ने की कोशिश कई बार की, कई आए और कई चले गए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन भारत विरोधी ताकतें और भारत में कुछ लोग पूरी कोशिश में जुटे हुए, तरह तरह के हथकंडे अपना रहे, लेकिन भारत के पास एक मजबूत नेतृत्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को सशक्त बनाने के साथ ही विकास के मार्ग पर चलने की बातें कहते हैं और देश विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए भी पूरी तरह से एक्टिव है। जाकिर नायक के प्रोपेगेंडा वीडियो को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान सामने आया दर्शकों, जिसमें वो कह रहे हैं कि झूठ फैलाने की कोशिश हो रही है जिसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। और देखिए आप कैसे उन्होंने जाकिर नायक को जवाब दिया, सुनिए जरा। हमारे पास हजारों मुसलमानों का प्रतिनिधि आए हैं, सबसे मिले हैं, और ज्यादातर मुसलमानों में इसको समर्थन भी कर रहा है। हमारा लोकतंत्र देश में अपना बात रखने का आजादी है। मेरे पास वीडियो आया है कि सारा मुसलमानों का मस्जिद जमीन जो है गवर्नमेंट छीनने जा रहा है, इस तरह का झूठ बातें कौन बोल रहे हैं? ऐसे कोई कर सकते है कि इस देश में कानून है, संविधान है, कोर्ट है। सुन लिया दर्शकों आप, बाहर से तो साजिश हो रही है लेकिन भारत के अंदर क्या हो रहा है, यह भी तो आपको जानना चाहिए। क्योंकि नफरत के पत्थर भारत में अब जगह जगह चलने लगे हैं। क्या यह कोई बहुत बड़ी साजिश है? और अगर साजिश है तो इसका पक्का इलाज क्या है? बुलडोजर दर्शकों। लेकिन कहां कहां पर यह साजिश की जा रही है,
कौन कौन ये लोग हैं और कैसे इन पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, कैसे इन पर एनकाउंटर की कार्रवाई हो रही है, एक चीज आपको बताऊंगा। क्योंकि साथी भारत के खिलाफ साजिश सिर्फ सरहद पार से नहीं हो रही, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर कुछ कट्टरपंथी बैठे हुए हैं, बाहरी दुश्मनों को आपने साजिश देख ली। लेकिन इन तस्वीरों को भी अब आप देखिए, जो देश के अंदर के दुश्मन है उन्हें पहचानिए दर्शकों, जो भारत में भी बांग्लादेश जैसी अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं। और इसके लिए इनका सबसे बड़ा टूल क्या है, नफरती पत्थर, जिसे ये हिंदुओं के त्योहारों पर निकालते हैं, चाहे गणेश उत्सव हो, जल झूलनी एकादशी हो, भगवान की शोभा यात्रा हो, जिस भी शहर से निकल रही है वहां पर हंगामा हो रहा है, वहां पर दिक्कत हो रही है, गणपति पंडाल में लोग पूजा करने के लिए जाते हैं तो इनका खून जलता है और फिर ये हिंदू आस्था को निशाना बनाते हैं। दर्शकों पिछला एक हफ्ता मैं कह रहा हूं दर्शकों, इन कट्टरपंथियों के लिए मानो पथराव वीक रहा, कैलेंडर की तारीख बदलती रही, राज्य बदलते रहे, शहर बदलते रहे, लेकिन नहीं बदला तो क्या, इनकी घिनौनी साजिश, इनकी नफरती साजिश, जहां ये पत्थर फेंकते हैं। लेकिन दर्शकों आज मैं आपको बताता हूं कि कहां कहां पर इन लोगों ने साजिश की है और कैसे इन लोगों ने साजिश की, क्योंकि एक एक करके जो साजिश हो रही है उसे अब बेनकाब करने का वक्त आ गया है। अब मैं आपको बताता हूं कहां कहां पर किस तरह से ये साजिश की जा रही है। आइए दर्शकों आपको दिखाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले सूरत में साजिश को अंजाम दिया गया, सूरत में जिन्होंने पत्थर चलाए वो चल नहीं पाए। उसके बाद रतलाम की तस्वीर देखी, मध्य प्रदेश पुलिस ने एक्शन लिया तो हंगामा खड़ा हो गया, रतलाम में भी नफरती पत्थर चले। लेकिन फिर से गुजरात के कच्छ में हमें तस्वीर देखने को मिली और उन अपराधियों को क्या हाल हुआ दिखाता जा रहा हूं आप, चलने लायक नहीं है जो पत्थर चला रहे। इसके बाद दर्शकों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गणेश पंडाल में पत्थर, आरोप लगाया गया कि बाकायदा प्लानिंग के साथ ये साजिश की जा रही है। लेकिन ये दक्षिण में भी देखने को मिली, कर्नाटक के मांड्या में पत्थर चले, यहां पर भी कड़ा एक्शन की मांग की गई है दर्शकों। लेकिन ये कौन लोग हैं जो अब उत्तर प्रदेश के महोबा तक पहुंच गए, और सिर्फ महोबा इनके निशाने पर नहीं है दर्शकों, आज ही मैं आपको बता रहा हूं अंबेडकर नगर में भी, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में भी इसी तरह की नफरती साजिश की गई। और भीलवाड़ा जहां रोज मस्जिद से पत्थर बरस रहे, एक एक करके खबरें आ रही हैं और देखिए जरा क्या हो रहा है भीलवाड़ा। अब यहां पर पुलिस की पैनी नजर है, लेकिन मस्जिद से जो पत्थर बरसाए गए उसको लेकर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं दर्शकों। आपने एक एक शहर देख लिया, एक एक तस्वीर आपने देख ली, लेकिन मैं आपको आज एक और चीज बताना चाहता हूं। समझिए आप, सूरत से शुरू हुआ पत्थरबाजी का यह खेल मांड्या लखनऊ से होकर भीलवाड़ा तक पहुंच गया। अब आप सोचिए, यह प्रायोजित होता है, पूरी प्लानिंग के तहत होता है, और इसका सबसे बड़ा वीडियो सबूत आज मैं आपको दिखाऊंगा, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, चौंक जाएंगे। आपके त्योहारों पर पत्थरबाज गैंग की नजर है, ऐसा दर्शकों में क्यों कह रहा हूं, आइए आपको मैं आज एक एक तस्वीर दिखाने वाला हूं। मैंने आपको बताया था पूरा एक्सप्ले करेंगे,